किसी जमाने के जबरदस्त पहलवान दाऊद आबू को कहते हैं, उपाध्याय है, वो भी उपाध्याय देखो उपाध्याय लगता है इनके कारण उपाध्याय किया जा रहा है। तो वो नारायण उनके उनके पास थे, तो जब वो चला गया महात्मा तो बोले, अरे उपाध्याय यार, हम यदि बीमार हो, शरीर हमारा स्वस्थ हो जाए तो हमारी सेवा करने में भी लोगों को तकलीफ होगी। अरे नहीं महाराज, नहीं महाराज, अरे बहुत दिन रह लिए भाई, अब यहाँ रहने की क्या जरूरत है। देखो जब देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, तो हम झांसी में थे, बड़े महाराज जी थे, दंगा फैल रहा था, उन्होंने कहा चलो चलो हम लोग जंगल में चलते हैं, उन्हें अपने आप आभास हो गया और फिर हम लोग जंगल में चले गए थे। फिर ऐसा सुना, उस समय हम कितने साल के थे, मैंने कितना बताया, 70 थे। बोले आप बहुत जी लिए भाई, वो मर गए, वो मर गए, क्या करना है भाई के? और ऐसा कह के हाँ ए दाऊ, अब रहने की जरूरत नहीं संसार में, बोला अब चलना चाहिए। अब ऐसा कह के एकदम से उस पद्मासन में बैठे और चले। हम जब कभी वहां जाते हैं तो जिस जगह उन्होंने शरीर छोड़ा वहां जरूर बैठते हैं हम, जितना हमारे पास समय होता है, घंटा दो घंटा चार। तो नारायण कुरुक्षेत्र में भी उनकी कुटिया है, अखंड दीप है, तुना है। तो हम हमारे जन्मभूमि के पास के गांव में आए थे नारायण, जब हम प्राइमरी कक्षा के विद्यार्थी थे तो गांव में चर्चा हुई रमते राम बाबा आए हैं, रमते राम बाबा आए हैं। देखो उदाहरण से आपको बात समझ में आती, रमते राम बाबा आए तो हम थे तो छोटे, लेकिन हमने सुना तो हमारे कुछ पिछले जन्म के संस्कार ही होंगे कि उस उम्र में हमारा आकर्षण हुआ। हमने लोगों से कहा हमें भी ले चलना, तो लोगों ने डांट दिया क्योंकि इतने छोटे नहीं थे कोई गोद में ले जाए, और इतने बड़े नहीं थे कि 3 मील हम पैदल चले जाए। अब महाराज, लेकिन हमने ठान ली कि हम तो जाएंगे, तो चुपचाप जहां से लोगों को जाना था वहां बैठ के देखने लगे कि ये लोग जाने वाले हैं, और बस जब वो गए तो उनके पीछे हो रही है पूरी टोली, गांव के लोग तो टोलियों में चल रहे हैं, पीछे हो रही है। महाराज गए, फिर रास्ता था, रोड थी, और फिर इसके बाद नहर थी, नहर की पट्टी से गए तो पट्टी के बगल में आम के वृक्ष के नीचे वो बैठे थे, झोपड़ी सी पड़ी थी, हम दूर बैठ गए, हम अब चिंतित चिंता मुक्त हो गए, हमें रास्ता पता लग गया। अब दूर बैठ गए, बातें होती रही, उन्होंने जो उन लोगों को उपदेश किया उसका सार हमने इतना समझा कि आत्मा ही सत्य है और वो ज्ञान स्वरूप है। ध्यान देना, वो ज्ञान स्वरूप है। अब हम तो बच्चे ही थे, वही उसी स्तर का ज्ञान होगा, तो हमारे मन में क्या चल रहा था उस समय? जो गणित के अध्यापक थे वो मर गए थे, डंडा मारते थे, आजकल डंडा नहीं चलता हो, आजकल तो जमाना बदल गया, पहले तो डंडा चलता था, सवाल नहीं लगा के आए तो जितना गड़बड़ किया उतने डंडे खाने पड़े। तो उसका देखो लाभ भी था कि हमें लगा कि सवाल लगाई के लिए जाना है, और सवाल पूछते थे शरीर के पिताजी से, तो उनका भी डर था, दोनों का डर, मास्टर का भी डर और पिताजी का भी डर, कहेंगे तो कहां गया था, क्यों गया था। अब महाराज अपना जब सब चले गए तो उनके पास पहुंचे, प्रसाद दिया, फिर खड़े, फिर प्रसाद दिया, फिर खड़े, क्या बात है, किसके लड़के हो? तो जब नाम बताया, अरे वो फलाने गांव के, हाँ, अरे जाओ जाओ जाओ, देखो शाम हो रही, जाओ 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 बाबू, और प्रसाद चाहिए? अभी नहीं, तो क्या बात है। तो हमने उनसे कहा कि आपने अभी अभी कहा कि आत्मा ज्ञान रूप है, तो हमें तो गणित के सवाल नहीं आते, हमने अपनी समस्या कौन दी। अरे बोले गणित के सवाल नहीं आते तो क्या करते हो? मैंने कहा कि तो उनसे पिताजी से पूछते हैं। बोले अच्छा, फिर कि जब वो समझाते हैं तो समझ में आते हैं, यदि हमारे अंदर हमारी आत्मा ही ज्ञान है तो हमें सवाल आने चाहिए। अब देखो ये प्रश्न बड़े बड़े विद्वान आज भी करते हैं कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है तो हमें त्रिकालज्ञ होना चाहिए। उन बेवकूफों को यह नहीं पता होता
कि ये जो सविशेष ज्ञान है ये मस्तिष्क का अंतःकरण का विषय है। अकेला करंट हवा दे देगा तुमको, अकेला करंट रोशनी दे देगा? बोलो, करंट के साथ रोशनी देना बल्ब का काम है, करंट के साथ हवा देना पंखे का काम है। बात समझ आएगी? देखिए अब समझ, हमने ये कहा फिर हमें गणित के द्वारा तो ध्यान देना। उन्होंने कहा बेटा ये बताओ बड़े प्यार से कि ज्ञान क्या है। मैंने कहा समझ में आना, जानना। बोले अच्छा, जानना नाम ज्ञान है? उन्होंने तीन चार बार मुझसे कहलवाया जानना नाम ज्ञान है। मैंने कहा जानना नाम ज्ञान है? हाँ। किसी को जान लो तो ज्ञान है? मैंने कहा हाँ। तो बोले अच्छा तुम गणित के सवाल नहीं आते, पिताजी से पूछते हो? हाँ। फिर समझ में आ जाते हैं? हाँ। तो ज्ञान हो जाता है? मैंने कहा फिर सवाल का ज्ञान होता है। तो बोल उन्होंने पूछा कि ध्यान देना बेटा ये बताओ कि गणित का सवाल नहीं आता, पिताजी समझाते हैं तो तुम्हें ज्ञान हो जाता, ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन तुम्हें गणित का कौन सा सवाल नहीं आता ये तुम्हें कौन समझाता है? ध्यान देना ये सबसे बड़ी बात है, गणित का सवाल नहीं आता ये तुम्हें कौन समझाता है? पहले तो हमें नहीं एकदम से एक वो हुआ, पहले तो हमें लगा इसीलिए बहुत ऐसी बातें करते, पहले तो ऐसा लगा, लेकिन फिर एकदम से हमको भी लगा है। फिर उनका बगल में कोई बैठे थे, बोले ये कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो बोले नहीं पता, नहीं पता क्या था तुम्हें पता है? तुम नहीं जानते, ये तो जानते हो कि तुम नहीं जानते। दिखाएगा पेड़? मैंने कहा आम का। वो कहेगा पेड़ है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले तो ये तो जानते हो कि तुम्हें नहीं पता। तो उन्होंने कहा बेटा गणित या दुनिया की चीजें ये तो सब संसार के की समझ है, इनको जानना ही ज्ञान नहीं है, जानना नाम ज्ञान है। तो वो ज्ञान बोलो कब नहीं होता था? अब बताओ आपको कब नहीं होता? नॉलेज तो ठीक है तुम गेन करते हो, कोशिश करते हो तो होता है, लेकिन ये मुझे पता है ये नहीं पता है इसका पता, ये चेतना, ये नोइंगनेस कब नहीं होती मुझे बताओ? कोई क्षण किसी को याद है जब नहीं था? एक ही चीज है जिसका कभी अभाव कोई माई का लाल पूरे विश्व में हिंदू मुसलमान नास्तिक नास्तिक कोई कभी नहीं कह सकता कि मैं उस क्षण कुछ नहीं जानता था। संभव है क्या? ये प्रकृष्ट प्रवेश ज्ञान है, यही आत्मा है, यही साक्षी है, यही नारायण है, यही सत्य है। अरे बाबा सीधी सी बात है, जिसका कभी अभाव ना हो, तीनों काल में अभाव ना हो, वही तो सत्य है। इसका अभाव करके बताओ, नॉलेज का अभाव होगा, नॉलेज कम ज्यादा होगा, इसका अभाव करके बताओ। ये प्रज्ञा प्रज्ञान ब्रह्म भीमावक हो गया है, इसी तरह से नारायण। तो ये महावाक्य है प्रज्ञान ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये चार महावाक्य चार वेदों में, ये पॉजिटिव है, ये बताते हैं कि ये ब्रह्म है, है? आत्मा ब्रह्म है और मैं ब्रह्म हूं। और मैं की व्याख्या पहले तुम सुन चुके हो, ध्यान रखना, यदि तुमने ध्यान से कोई किसी ने सुना होगा तो ये चार श्लोक काफी है और रियलाइजेशन के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। एक आपने सुना होगा नेकी नेकी, यह भी नहीं है यह भी नहीं है यह भी नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई? नेकी 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 भी परमात्मा की ओर संकेत करता है, लेकिन उसको महावाक्य नहीं माना गया। ये क्यों नहीं माना गया? कि वो व्यतिरेक की पद्धति से नेगेटिव अप्रोच देने वाला है, वो निषेधात्मक संकेत करता है कि यह नहीं है यह नहीं है यह नहीं। जैसे बौद्ध लोग भी कहते हैं सब शून्य है, हम कहते हैं वेदांत कहता है भैया सब शून्य है, इसको जाना किसने? बिना जाने तुम कैसे कह सकते हो सब शून्य है? और जिसने जाना कि सब शून्य है, जिसने जाना कुछ नहीं है, जिसने जाना सब झूठ है, वो जानने वाला कब नहीं था ये बताओ?